और सब्जी को खींच कैसे निकलेंगे पंजा के ऊपर में तरफ तरफ दोनों पैर में आप ही कर दीजिए फिर लोग एक बार में एक परिवार पूरा उठ के आवे हिया एक और बुला मिली ठीक है लेके जाएगा सब गुमला जिला में नक्सलियों का गढ़ कहलाने वाले कुरुमगढ़ केरागानी व मड़वा के जिन घने जंगलों के बीच दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती थी, पुलिस नक्सल मुठभेड़ के कारण ग्रामीण अक्सर डरे सहमे रहते थे। नक्सलियों के खौफ की वजह से पुलिस को देखते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिया करते थे। आज उसी केरागाने इलाके में पुलिसिया कैंप में हजारों ग्रामीणों की मौजूदगी एक अलग रोमांचकारी तस्वीर बयां कर रही थी। गाजे बाजे और सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच कम्युनिटी पुलिसिंग का बेहतर नजारा गुरुवार को देखने को मिला। सोशल पुलिसिंग की अवधारणा को मूर्त रूप देते हुए गुमला जिला पुलिस व CRPF 2018 बटालियन ने संयुक्त रूप से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच व दवा वितरण का आयोजन कैंप लगाकर किया। इस कैंप में ग्रामीणों के बीच सामूहिक भोज आयोजित हुए। वहीं विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ खुद पुलिस कप्तान डॉक्टर एहतेसाम वकरीब ने ग्रामीणों का इलाज करते हुए उनके बीच निःशुल्क दवाइयां बांटी। CRPF 2018 बटालियन के समादेष्टा अनिल मिज व अभियान SP मनीष सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ ग्रामीणों की मौजूदगी क्षेत्र में हुए बड़े परिवर्तन का एहसास दिला रही थी। कुछ भी है और यहाँ पे सब तरह से लोगों को बुलाया गया, हेल्थ कैंप लगाया गया। CRPF के डॉक्टर हूँ मैं भी, पहले पुलिस में आने से पहले डॉक्टर रह चुका हूँ, तो मैंने भी बहुत सारे हेल्थ कैंप किया था, उसका अनुभव मुझे आज काम भी आ रहा है। और मैं हेल्थ कैंप का उद्देश्य ये भी रहता है कि इन लोगों को समझ में आए कि पुलिस हर तरह से आपके लिए रेडी है, हर प्रकार से, चाहे आपका, हम लोग ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहां कोई नहीं पहुंच सकता, पुलिस वहां पहुंच सकती है, चाहे उनको राशन का सहयोग हो या फिर उनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम, हमारे जरिए वहाँ तक भी पहुँचेगा। तो एक तरह से हम लोग का जनता दरबार टाइप का प्रोग्राम चल रहा है, जो कि गुमला पुलिस, झारखंड पुलिस और CRPF के बदौलत इसका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है पब्लिक की तरफ से भी। और हम आशा करते हैं कि हम आगे भी अभियान छेड़ते रहेंगे और पूरे ज़िले भर में अभियान चलता ही रहेगा, ताकि हमारा जो मैसेज है वो गांव-गांव, घर-घर और हर बच्चे, हर औरतें, हर बूढ़े, हर लड़कों के बीच में पहुंचे। मौके पर SP डॉक्टर एहतेशाम वकरीब ने कहा कि नक्सलियों के प्रभाव वाले क्षेत्र में हम लोगों ने लगातार ऑपरेशन चलाकर जिस तरीके से उन नक्सलियों का मुखधारा में आने अथवा सरेंडर करने को बाध्य किया है, उसी का सुखद परिणाम है कि आज ग्रामीणों के बीच पूरे चतुर्थी भरोसे और विश्वास की पुनर्स्थापना हो सकी है। नतीजा सामने है, हम लोगों ने भी क्षेत्र में विकास की रफ्तार को तेज कर यहाँ के जनजीवन में व्यापक परिवर्तन बनाने हैं का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत आज इस प्रकार के सामाजिक आयोजन से हो रही है। निश्चय ही समय के साथ इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं पुलिस की ओर से जरूरतमंद लोगों के बीच धोती, साड़ी, बर्तन, बच्चों के खेल सामग्री, समाचार सुनने के लिए रेडियो दिया गया। पुलिस के इस अभियान को देखकर लोग काफी खुश नजर आए और कहा कि जिस पुलिस को देखकर हमें डर लगता था, आज के कार्यक्रम को लेकर हमें लग रहा है कि पुलिस हमारे मित्र हैं। आमिन के देख पाते हैं देखो चलो ठीक है। देखिए उधर, देखिए उधर, उधर भी तुम अपना पत्नी के साथ आओ, तुम अकेले तुम्हारी बहन भी थी, उसको भी बुलाओ। हाँ सबको बुलाओ, एक साथ आएगा सर। तुम्हारी बहन कहाँ गई? वो किनारा पकड़ना चल जाएगा, ठीक है।
वो शाम में हो जाएगा 4 बजे। पहले से बहुत बदला है, प्रशासन घुसा है तब से गांव अच्छा है। ये जो दिखा रहा है इधर, ये कभी नहीं हुआ था मेरा गांव में। तब से प्रशासन आया वितरण कर रहा है, मेरा गांव में कभी कुछ नहीं हुआ था। ये सब इलाज भी हो रहा है। यहाँ महिला मंडल जैसे बैठ के सबको वितरण कर रहे हैं, कम्बल उम्बल सब, डॉक्टर इलाज हो रहा है यहाँ आज। पहले कभी नहीं हुआ था मेरा गांव मरवा में। ऐसे आज तक पहले पुलिस का देखता था, बच्चा लोग भागता था घर, आज तो नहीं देख रहा है, नहीं भाग रहा है, सबको डर भाग गया पहले से। गांव अच्छा है, सुधार रहा है धीरे धीरे। कहीं ना कहीं अब नक्सलवाद जिस तरह से है, अब कम है, क्या लगता है? ख़त्म होने का है, जैसे नक्सली है उसे थोड़ा कम हुआ है। मेरा नाम महेंद्र महतो है, मारवाग रहने वाले हैं। का गांव में चारों ओर जंगल से घिरा हुआ है, और ऐसा तो कोई भी प्रशासन आके नहीं किया था, लेकिन अभी प्रशासन आके हम लोग का गांव में ये सब वितरण कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और बताइए कि हम लोग का गांव में पहले तो अथी का कहन अग्रवादी सब आते हैं, और वही सब का गोलीबारी चारों ओर चल रहा था, उसी सब को हम सुनते थे गांव का पब्लिक सब, और डर से हम लोग अथी घूम रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे, भाग रहे थे। और अभी पुलिस आया, इतना सुंदर कर रहा है गांव में, बहुत अच्छा लग रहा है। सामान सब दे रहा है, कमल सब, बाल्टी सब, डेगची सब लाया है, और सबको वितरण करेंगे। दवा भी लाए हैं और इलाज भी करा रहे हैं बीमारी सबको। क्या नाम? रूनी देवी। आज हम लोग गांव में पुलिस प्रशासन आए हैं तो हम लोग का खुशी का महसूस हो रहा है। और हम लोग का गांव एक छिपल सा है, कोना में है, पहाड़ी क्षेत्र है, दूर दराज से प्रशासन हम लोग को अपना ये रोजगार यानी जागरूक करने के लिए आए हैं। इस चलते हम लोग को अति सुंदर है और अति खुशी भी हैं हम लोग। और हम लोग गांव में ये है कि छिपल गांव है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो रोजगार थोड़ा सा युवाओं के लिए रोजगार का कमी है। मान के चलिए बाल बच्चा भी पढ़ाई उढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो दूर दराज में पुल पुलिया का कमी है। और हम लोग जैसे कि जिस प्रकार हम लोग पढ़ाने चाहते हैं बाल बच्चा को, उस प्रकार हम लोग का के लिए व्यवस्था नहीं है, अच्छा स्कूल का साधन के लिए पुल पुलिया ये सब। हम तो यही कहना चाहेंगे कि पुलिस हम लोग का सेवा के लिए आए हैं, और अभी हमको खुशी का माहौल है कि हम लोग का सेवा पुलिस देंगे और जनता को भी जागरूक करेंगे। अभी शांत है एरिया, अभी कोई डर दिक्कत नहीं है, हम लोग अभी अच्छा से हैं और अच्छा से जी रहे हैं। जी, पहले जो गोली बारूद का आवाज़ हो रहा था वो अभी फिलहाल बंद है। पुलिस प्रशासन जनता का सेवा में आए हैं, तब से हम लोग का गांव घर एरिया शांत है अभी। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, अभी हम लोग को अच्छा लग रहा है। तो पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए? धन्यवाद देना चाह रहे हैं हम कि अच्छा है एरिया, क्षेत्र में आकर के आए हैं, हम माहौल को शांत कर दिए हैं। अच्छा जी, हमको तो अच्छा लग रहा है। कभी ऐसा हुआ था? ऐसा इस गांव में कभी भी नहीं हुआ था, हम ना तो कभी देखे थे, जन्मल दिन से ऐसा हम नहीं दिखे थे। तो अभी गांव में पुलिस का कैंप जो लगी है, पहली बार इस तरह की कार्यक्रम हुआ? हाँ, कभी नहीं हुआ था ऐसा।
ऐसा तो यहाँ के जो पुलिस महकमा है उनको आप क्या कहना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाह रहे हैं? हाँ जी, धन्यवाद देना हम चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मकुंद महतो जी है। पूरे जिले में CRPF और गुमला पुलिस के ज्वाइंट एक्सरसाइज चल रहा है। हम लोग लगातार हर जगह घूम घूम के कैंप लगा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य हो रहा है कि लोग से कैसे अपना संपर्क स्थापित करें, उनका समझे प्रॉब्लम क्या है, और वहाँ जहाँ जहाँ जाके जहाँ नक्सलियों का पहले रहा हो आतंक, अब बुधेश्वर के जाने के बाद जहाँ ख़त्म के कगार पे है, वहाँ जाके उनसे संपर्क स्थापित करें। गांव वाले से हम लोग बात भी कर रहे हैं और सब लोग की बहुत खुशी हो रही, गाँव भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा इस कार्यक्रम में, सामुदायिक पुलिसिंग एंड सिविक एक्शन प्रोग्राम है जो CRPF का, और इसी के तहत आज हम लोग यहाँ मरवा के गांव में आए हैं। और यहाँ कभी पिछले साल में बुधेश्वर रहा करता था, अब उसका लास्ट ईयर इनकाउंटर हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, इनसे बात भी कर रहे हैं, इनको ये लोग भी बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और सब तरह से पार्टिसिपेशन है। गांव की महिलाएं भी आए, हेल्थ कैंप लग रहा है, जन वितरण का भी काम करेंगे अभी हम लोग। तो कुल मिला के जो कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग का बेसिकली उद्देश्य है कि हम लोग गाँव जाके अपना अभियान जो छेड़ रखा है, पब्लिक से ज़्यादा मिलना, और एक तरह से उनको मैसेज देना है कि नक्सलवाद किसी से फ़ायदा नहीं हुआ है, नक्सलवाद का अंत बुराई होगा, और आप लोग मेन स्ट्रीम में आए या तो फिर सरेंडर करें और झारखंड सरकार का लाभ उठाए जो पॉलिसीज़ है, या फिर पुलिस की जो कानूनी कार्रवाई उसका शिकार पाए। लेकिन डॉक्टरों का दिखाया जाता है, दांत वाला अलग डॉक्टर, गुमला जिला का थाना है, उसमें से भी तीन घोर नक्सल प्रभावित जो गांव थे, एक मारवा, कोचागनी और केरागनी, ये काफ़ी अरसे से, इनफैक्ट कभी भी यहां पर नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं चलती थी। हम भी जब आते थे, हमारी फोर्सेस केवल अभियान के लिए और ऑपरेशन के लिए आती थी और ऑपरेशन के बाद चली जाती थी, परंतु पिछले एक सालों से हम लोगों ने जो दबदबा बनाया है, हम लोगों ने जो सफलता हासिल की है, उसके कारण ये जो क्षेत्र है मरवा केरागनी कोचागनी का और ये पूरे कुरंगड़ थाना का, इससे हम लोगों ने नक्सल को बाहर किया है। और आज ये पहली बार हुआ है कि आज हम एक दूसरे तरीके से, हम एक गांव वालों से संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं, हमें भी बड़ी खुशी हो रही है कि कल तक जो बच्चे बूढ़े और यहाँ के जो वासी थे वो हमें देख करके भाग जाते थे या छिपते थे, आज हमारे बीच में आ करके हमसे बातें कर रहे हैं, और हमसे बातें करते हैं तो ये बड़े खुश हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक उत्सव का माहौल है, सारे यहाँ छोटा नागपुरी गीत बज रहा है, हमने एक लंगर का भी व्यवस्था किया है, साथ ही सिविक एक्शन प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें कि उनको हम गर्म कपड़े देंगे, बर्तन देंगे, सोलर लैंप देंगे, और सबसे अच्छी बात है उनको हम रेडियो देंगे। ये नो नेटवर्क जोन है, यहाँ पर किसी चीज़ ना बिजली है और ना ही यहाँ नेटवर्क आता है, तो हमने ये प्लान किया है कि इनको रेडियो दें ताकि ये हमारे प्रधानमंत्री की जो संदेश होते हैं उनको ये लगातार सुने और उसका फ़ायदा उठाए। तो आज हमारे साथ हमारे बीच हमारे SP और हमारे डॉक्टर साहब भी यहाँ प्रेजेंट है, जो कि हम लोग एक हेल्थ कैंप भी किया है, उसके साथ साथ कैंप में इनको देखने के बाद इनको अच्छी क्वालिटी का दवाइयाँ भी हम लोग ढेर सारा लेकर के आए हैं, और जो भी इनको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब किया जा रहा है वो भी हम इन्हें हाथों हाथ यहाँ पर दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको आगे इलाज की ज़रूरत है, उनको भी हम छांट ले रहे हैं और इनको भी आगे रेफर करके, जैसे कि कई मोतियाबिंद के यहाँ रोगी हैं बूढ़े लोग, उनको भी हम उनका व्यवस्था कराएंगे। तो आज हमारे लिए भी ये बहुत अच्छा दिन है कि हम जहाँ कल तक सिर्फ ऑपरेशन करते थे और जहाँ गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही थी, आज हमारे तरफ से यहाँ छोटा नागपुरी गीत बज रहा है और एक उत्सव का माहौल है, और हम चाहते हैं कि ये क्षेत्र इसी तरीके की शांति व्यवस्था में कायम रहे और ये क्षेत्र की तरक्की करे।